हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज चलिए ज़रा ख़ुद को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत हो गया रोना धोना, पिछली वीडियोस में हम बहुत रोए धोए, बहुत लोगों की बातें सुनी समझी कि कौन क्या है, क्या गलत कर रहे हैं हमारे साथ, रो रो के थक गए। अब थोड़ा सा हंस लेते हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। आज अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने दुख से तो सभी को रोना आता है, लेकिन क्या आपको दूसरों के दुख को सुनकर या देखकर रोना आता है? या फिर आप किसी की बहुत हार्ड वर्क करने के बाद उसने कुछ अचीव किया हो या उसके बच्चे ने अचीव किया हो, तो क्या आप उनकी खुशी में रो पड़ते हैं? जब वो अपनी खुशी में रो रहे हैं तो क्या आप भी रो पड़ते हैं? यानी कि अक्सर अगर मूवीज़ देखकर भी आपकी आंखें भर आती हैं, बहुत इमोशनल सीन देखकर आप अपना आंसू रोक ही नहीं पाते हैं, तो आप बहुत ही नर्म दिल इंसान हैं, बहुत ही पवित्र आत्मा हैं, बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। इंग्लिश में बोले तो ओवर सेंसिटिव है कि नहीं? यदि आप सभी से प्यार करते हैं, जैसे नदी, बादल, फूल, जानवर, बच्चे, और यहाँ तक कि बुरे इंसानों से भी नफरत नहीं पालते हैं। बुरे हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, आपको मालूम है उनके बुरे बनने का कारण क्या है, उनके ऐसा बनने के पीछे कौन कौन लोग और कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी जिस कारण से वो बुरे बने, तो आप उनसे नफरत नहीं पाल रहे हैं। और आपके अंदर बहुत करुणा और दया का भाव रहता है उनके प्रति, तो आप बहुत ही लवेबल एंड कंपैशनेट हैं कि आप जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ही कंपैशनेट है। और यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, उसका आभास कुछ दिनों पहले या थोड़े समय पहले ही लग जाता है, आपको हंसते खेलते हुए कुछ काम करते हुए अचानक से आपको लगने लगता है मुझे कुछ घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है, आप चुपचाप बैठ जाएंगे, घबराहट से लेट जाएंगे, जो सामने होगा उसको कहेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है आसपास, तो दूसरों को भी सतर्क रहने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे लोगों को गलत समझ लिया जाता है कि ये क्या ऐसे ड्रामा कर रहे हैं। कई लोग होते हैं सेंसिटिव नहीं होते हैं तो इतना समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है और कुछ टाइम बाद होता भी है, आपको एक बुरी न्यूज़ या कुछ गलत न्यूज़ सुनने को मिल जाती है फ़ोन से या कोई आ जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ जो मुझे लग रहा था वो ऐसा हो गया अचानक ही, तो आप एक डिवाइन सोल हैं, एक दैवीय आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है, दैवीय आत्मा है। और यदि आपको सपने में उड़ने का सा एहसास होता है कि जैसे आपके पंख लग गए हों और आप आसमान में उड़ रहे हैं, लिटरली आपको ऐसा फील हो रहा है, आपने बाहें पसारी हैं और आप पहाड़ से या बहुत ऊंची बिल्डिंग से, विंडो से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन आप गिर नहीं रहे हैं, आप उड़ रहे हैं, कहीं से कहीं जा रहे हैं, नीचे घास नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत धरती नज़र आ रही है, एक नेचर में आप हैं और आपको बहुत खूबसूरत एहसास हो रहा है उड़ने का, या फिर डूबने का सुंदर एहसास हो रहा है, जैसे आप पानी में गए, आपको लगा कि मैं डूब गया और अचानक से आपको लगा कि जो मैं बिल्कुल धरातल में चला गया, नीचे समुद्र के नीचे, या चली गई, तो मैं ज़िंदा हूँ और मैं उसको इंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये एक बहुत ही सुंदर एहसास है। अगर आपको सपने में नंबर्स नज़र आते हैं या कोई चेक देता नज़र आता है जिसमें नंबर्स लिखे हों और आप उन नंबर्स को रिपीट कर रहे हैं, सुबह उठते ही आपको नंबर याद ना हो, लेकिन जिस समय रिपीट कर रहे हैं अचानक से आँख खुल जाए, तो आप उन नंबर्स को लिख लीजिए फटाफट से, उसके बाद बेशक सो जाएं, लेकिन सोना नहीं चाहिए कहते हैं ऐसे सपनों के बाद,
क्योंकि ये एंजेलिक नंबर्स होते हैं और यूनिवर्स कहें या गॉड कहें, जो भी कहें, वो एक परम शक्ति होती है, वो हमें एक संदेश देती है इन नंबर्स के थ्रू। तो उन नंबर्स को लिखें, उसे सर्च करें कि इसका क्या मीनिंग है आपकी लाइफ में, अभी ईश्वर आपसे क्या कहना और करवाना चाह रहा है। कई बार अक्सर नंबर्स रिपीटेड फॉर्म में भी नज़र आते हैं, सेम नंबर्स जिसे कहते हैं, जैसे 2222, 333, 444, 555, 777, 999, 1111, 1212, 1414, 1515, 1616, 1717, 2121, लाइक दिस, इस तरह के नंबर नज़र आते हैं। ये नंबर्स आपको व्हीकल पे नज़र आ जाएंगे, गाड़ियों के पीछे अचानक से, जैसे आप चल रहे हैं लेकिन आपका ध्यान सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पे तो होता नहीं है, लेकिन अचानक से किसी गाड़ी का नंबर आपको क्लिक करता है, आपकी आंखों में आता है और आपके दिमाग में आ जाता है कि ये नंबर रिपीटेड नंबर है। या हाउस नंबर अचानक से बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ या बड़ा बड़ा लिखा हुआ अचानक से नज़र आता है, वो रिपीटेड नंबर्स होते हैं, जैसे 1717, 1414, 1111, 777, 999, इस तरह के, तो इस फॉर्म में नज़र आ जाता है। तो इसका मतलब है आपका जो डिवाइन सोल है वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, और यूनिवर्स, गॉड या कुछ भी कह लें आप, एक सुप्रीम पावर, वो आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ कहना चाह रही है नंबर्स के थ्रू। तो प्लीज़ सर्च कीजिए कि ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं उसको नोटेड डाउन कीजिए और जानिए इसके पीछे इन नंबर्स का क्या राज है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको सपने में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नज़र आता है, आप वहाँ गए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं या उनकी सीढ़ियों पर हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के, तो आप समझिए कि आप बहुत ही जागृत इंसान हैं, यानी कि अवेकेंट है, आप कॉन्शियस माइंड से काम लेते हैं। ऐसे ही नहीं कि भाई सब चल रहा है, सब खाते पीते सोते उठते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं सब, किसी को नहीं पता है मंदिर क्यों जाना है, किसी को नहीं पता है जल क्यों चढ़ाना है, किसी को नहीं पता है कि मैंने रोज़ नहाना धोना है तो क्यों नहाना धोना है। रोज़ लोग नहाते धोते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, पीछे से बहू को गाली दे रहे होते हैं, पड़ोसी को गाली दे रहे होते हैं, किसी का बुरा सोच रहे होते हैं और भगवान से कहते हैं मेरा अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे का अच्छा हो जाए, मेरे घर में पैसे आ जाएं। किसी को कुछ पता नहीं है, अनकॉन्शियसली चल रहा है, चल रहा है, बस चलता जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, किसी से पूछ के देखिए, जो जो कहते हैं ना डेली मंदिर जाता हूँ मैं, डेली गुरुद्वारा जाता हूँ मैं, बड़े घमंड गर्व के साथ, पूछिए उनसे कि क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं। एग्जैक्टली उनको उनसे जवाब नहीं मिलेगा, एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलेगा उनको। तो समझिए कि अगर आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सपने में नज़र आ रहे हैं तो आप बहुत ही अवेकेंड हैं, बहुत जागृत इंसान हैं। इस तरह की क्वालिटी या ये सभी क्वालिटी वाले इंसान ही परम शक्ति से प्रार्थना कर सकते हैं, किसी और के दुख को कम करने के लिए, किसी और की खुशी को और बढ़ाने के लिए, किसी बीमार को स्वस्थ करने के लिए, और किसी जानवर या इवन किसी पौधे के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने की है। एक बार मेरे घर में पौधा था, वो उसमें कुछ फफूंद सी कुछ डिजीज़ लग गई थी, वो बहुत ही खूबसूरत पौधा था, उसमें ऑरेंज कलर के फूल खिलते थे और उसमें ऐसी डिजीज़ लगी कि वो वाइट वाइट हो गया सारा का सारा, एक फूल रह गया उसमें, बस सारी पत्तियां भी झड़ गई, वो ठूंठ सा हो गया। होली का टाइम था, कुछ ऐसा था, एक फूल रह गया। अब बाहर नीचे लोग होली खेल रहे थे तो अचानक एक बलून छत पे, टेरेस पे रखा हुआ था वो गमला, उस पर फूल था और वो बलून उसी पौधे पे आके लगा जिसमें एक ही फूल था, वो डिजीज़ वाला पौधा, और वो फूल भी जाके टूट गया उस बलून के प्रेशर से। मैं इतना रोई अंदर ही अंदर और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, इस पौधे को ज़िंदा रखना।
बहुत प्रार्थना की बैठ के पूरा। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है, मैं तो कमाल मानती हूँ इस बात को। वो पौधा हरा भरा हो गया नेक्स्ट डे से, उसमें पानी पानी खाद तो देते ही रहते थे हम, लेकिन नेक्स्ट डे से वो बहुत ही खूबसूरत हो गया। तो प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि आप इसी तरह के बहुत अच्छे खूबसूरत इंसान हैं। अभी मैंने बताया ओवर सेंसिटिव हैं आप लवेबल एंड कंपैशनेट हैं, आप डिवाइन सोल हैं या आप अवेकन सोल हैं, आप जागृत हो चुके हैं। तो आपको दूसरों के लिए ज़रूर से ज़रूर कुछ करना चाहिए, ब्लेसिंग्स भेजनी चाहिए, प्यार भेजना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ज़रूरत के लिए ज़रूरत पर उनकी ज़रूरत पर उनके लिए काम आना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा एक फ़र्ज़ बनता है ह्यूमैनिटी करने का। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन ही यही है इंसान का। हम कहते हैं ना हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। अभी हिंदू में भी देखिए हिंदू हैं, नहीं हम तो पंजाबी हैं, हम तो जाट हैं, हम तो कुछ और हैं, हम कुछ और हैं, इस तरह से। हमारे भगवान ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे ज़्यादा हमारे हम जिस भगवान को या गुरु को मानते हैं वो तुम्हारे गुरु और भगवान से कम है, उनसे ज़्यादा है। मतलब अगर भक्ति करने में भी घमंड है तो आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली इंसान का जो धर्म है, एक्चुअली दो धर्म जो बना रखा है ना, हम धर्म को समझते हैं कि रिलीजन, जैसे यही रिलीजन में बटा हुआ है हमारा हिंदू समाज भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये सब पढ़ने में आता था। जैसे जैसे हम बड़े हुए मैं ये सोचने लगी, इसमें तो कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम सब हैं भाई भाई भाई, कहाँ हैं भाई भाई, हम तो हिंदू ही आपस में लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखो, आपस में देखो, कोई कहता है हम तो इसको मानते हैं, हम तो इनको मानते हैं, तुम किसको मानते हो, हर समय कोई बात क्या करते हैं, हम इनको मानते हैं, तुम किनको मानते हो, नहीं भाई हम तो इनको मानते हैं। क्या ड्रामा है, जिनको आप मानते हैं वो आपका बिलीफ सिस्टम है, जिनको हम मानते हैं वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। एक्चुअल में देखा जाए कोई किसी को नहीं मान रहा है, जस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट होता रहता है, पोस्ट होता रहता है अनकॉन्शियसली, जस्ट पोस्ट हो गया, लाइक हो गया, फॉरवर्ड हो गया, शेयर हो गया, माय गॉड इतना चलता रहता है चलता रहता है। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कीजिए, जो भी हमारे आसपास मेंटल डिसऑर्डर वाले ही हैं, जो पहचान में नहीं आते, जो कभी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं, अवेयरनेस नहीं है और इसी तरह से इनकी लाइफ घसीटती जा रही है, सब उनके साथ रहते हुए रोते जा रहे हैं, सप्रेस होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में आते जा रहे हैं, परेशान लाइफ है सबकी, फाइनेंशियली अच्छा होते हुए भी घर गाड़ी बंगला सबके पास सब कुछ है, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन कोई खुश नहीं है। उसका रीज़न ही यही है, कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में नार्सिसिस्टिक, साइकोपैथ, सोशियोपैथ, इन सब ट्रेट्स वाले, सिम्टम्स वाले लोग हमारे साथ रह रहे हैं। तो हमें एज अ सेंसिटिव लोग या कंपैशनेट या डिवाइन सोल होते हुए, हमें अवेकन होते हुए, हमें दूसरों को भी अवेकन करना चाहिए। बस यही थोड़ी सी कोशिश है जो मैं भी करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मेरी हर वीडियो को देखिए सुनिए और आगे शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे आसपास इस तरह के लोग बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। रिसर्च में यही पाया गया 90% लोग हैं इस तरह के, और 10% हैं थोड़ा सेंसिटिव हैं जो इम्पैथ्स कहलाते हैं। इम्पैथ्स में भी 3-4 कैटेगरीज हैं, वो आगे बात करेंगे। तो उदास मत रहिए, खुश रहिए, दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढिए, और खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। बस हमें यही करना है, खुद को बदलना नहीं है। जैसे हम अच्छे हैं, हम सेंसिटिव हैं, हमें दूसरों को अवेकन करना है।
किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं करना है, गलत लोगों के साथ रह भी रहे हैं, उनके बारे में हम जानते हैं वो क्यों हैं ऐसे, उनका बचपन कैसा बीता। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन तो भेज सकते हैं, उनके लिए दुआ प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। सबसे बड़ी प्रार्थना यही होती है, दुआओं में दम होता है, जब दवाएं काम नहीं करती तो दुआएं काम आती है ना, वही बात है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।